الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا چاہتے ہو. سماج میں بھی آپ کی عزت بنی رہے. आप संजीदा आदमी कहलाए अल्लाह रब्बुल रबुल्जत के यहाँ भी आपका वकार और इज्जत महफूज रहे कयामत में आप पकड़े ना जाए अल्लाह रब्बुल रबुल्जत के अजाब से महफूज रहें। तो एक नुस्खा रसूल सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम ने आपको बतलाया लेकिन आप देखिए कि रसुलकरम सल्लाम ने इसके लिए दो चीजें पहले जिक्र करवाए अगर आपका ईमान बिल्ला यानी अल्लाह ताला पर ईमान और आखिरत पर ईमान ये सच्चा है दुरुस्त है सही है तो आपको चाहिए कि जब मुंह खोलें तो अच्छी बात बोलें, वरना खामोशी इख्तियार यह समझना कि अल्लाह ने जुबान दी है तो हम उसका जा बेजा हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं यह बहुत खतरनाक चीज है हमारे जिस्म में जुबान से ज्यादा खतरनाक चीज हमारे लिए कोई और नहीं है यह हमारे जिस्म का वो हिस्सा है कि हमारे सारे जिस्म के आज़ा आंख नाक हाथ पैर सब इससे कहते रहते हैं कि तू हमारे ऊपर जुल्म जुल्मा कंट्रोल में रहे ताकि हम बच जाए वरना करेगी तू और भरेंगे हम जुबान चलती है तो गाली गलोच भी करती है तो चोगली भी करती है लड़ाई झगड़े भी करती है फसाद और फसाद अंगेज बातें भी करती है बरसों की दोस्ती को मिनटों में खत्म भी करती है जो आदमी हमारा दोस्त था चंद लफ्जों से दुश्मन बना देती है हमारी जुबान बड़ी खतरनाक है मुफीद भी है क्या हम इससे तिलावत कुरान करते हैं ज़िक्र इलाही करते हैं रसूल अकरम पर दरूर पढ़ते हैं लेकिन अगर बेकंट्रोल ये चले तो हमारे लिए सख्त नुकसानदेह है इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान है कयामत पर यकीन रखते हो कि कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा जो कुछ हमने किया हाथ पैर से और जुबान से जो कुछ कहा तो फल अगर कोई अच्छी बात है तो आप जरूर कहिए वरना खामोश रहिए इसी में आपकी आफियत और इसी में निजात है इसी में दुनिया की भलाई है और इसी में आखिरत की भलाई है अस्सलाम वालेकुम व वरह ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें